साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे को लेकर ब्रिटेन के पीएम ने कई बड़े खुलासे किए हैं। शिंदे ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उन्हें बताया है कि उद्धव ठाकरे ने लंदन में अरबों की अवैध प्रॉपर्टी खरीदी है। वो हर साल लंदन जाते हैं, इनलीगल तरीके से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देते। तो क्या है एकनाथ शिंदे का दावा? ब्रिटेन के पीएम ने कब बताया शिंदे को ये पूरा मामला? आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एकनाथ शिंदे के सनसनीखेज दावे से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। शिंदे ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के नाम पर जो खुलासे किए हैं वो वाकई में हैरानी भरे हैं। दरअसल शिंदे का दावा है कि G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुलाकात एकनाथ शिंदे से भी हुई थी। उसी दौरान सुनक ने उद्धव ठाकरे की अवैध प्रॉपर्टी को लेकर कई खुलासे किए थे। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का नाम लेते हुए शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए। शिंदे ने G20 डिनर में ऋषि सुनक से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए दावा किया। उन्होंने कहा कि यूटी यानी कि उद्धव ठाकरे लंदन जाते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अवैध तरीके से सारी कागजी कार्रवाई करते हैं और फिर ठंडी हवा खाकर भारत लौट आते हैं। सीएम शिंदे ने बताया कि उन्हें ये सब बातें खुद पीएम ऋषि सुनक ने बताई है। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उसी दौरान एकनाथ शिंदे ने ये सब कुछ कहा। शिंदे ने कहा, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिला था। वे भारतीय मूल के हैं, इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। हमारे देश का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी भी आलोचना की। वो सवाल उठाते हुए बोलते हैं कि मैं ऋषि सुनक से क्यों मिला, कैसे मिला, क्या बात की, किस भाषा में बात की, ये सब बोलने का मतलब क्या है? मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर जो जो कहा है वो मैं जरूर बताऊंगा। शिंदे ने कहा कि ऋषि सुनक ने उन्हें खुद बताया है कि यूटी के क्या हालचाल हैं। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो समझ नहीं पाए कि वो किस यूटी की बात कर रहे हैं। तो ऋषि सुनक ने बाकायदा कहा कि मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। शिंदे ने आगे कहा कि ऋषि सुनक ने उनसे कहा है कि यूटी हर साल लंदन आते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं, अवैध रूप से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, ठंडी हवा खाते हैं और फिर भारत लौट आते हैं। शिंदे ने दावा किया है कि ऋषि सुनक ने कहा है कि उनके पास उद्धव ठाकरे को लेकर कई ऐसी जानकारियां हैं, अगर उनका खुलासा और जांच हो तो उद्धव ठाकरे बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी सरकार जा चुकी है, उनका दिमाग बेकाबू हो चुका है, उनके पैरों के नीचे से रेत खिसक रही है, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अब उनके खुद के कारनामे सामने आ रहे हैं तो उनकी जुबान पर ताला लग चुका है। अब जनसभा के दौरान शिंदे ने वहां मौजूद लोगों से ये भी पूछा कि यूटी कौन है, जिस पर कार्यक्रम में मौजूद भीड़ ने जोर से कहा कि उद्धव ठाकरे। शिंदे ने कहा कि हाँ, पीएम ऋषि सुनक भी उन्हें यूटी कहकर ही बुलाते हैं और इन्हीं यूटी को लेकर उन्होंने कई खुलासे किए हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने ठाकरे को आगाह करते हुए कहा कि बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें बोलना पड़े ऐसा समय मत आने दीजिए, अन्यथा आपका सारा अवैध राज खुल जाएगा और आप बड़ी मुश्किलों में फंस जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे के दावे पर आपका क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ने अवैध तरीके से लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी है? और अगर खरीदी है तो क्या उद्धव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूरत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना UBT पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार अजीत पवार पर एक से बढ़कर एक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब इन आरोपों के बाद NCP ने भी बड़ा पलटवार किया है। इसके साथ ही रश्मि ठाकरे के इरादों पर चौंकाने वाला खुलासा भी NCP नेता ने किया है। दरअसल अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने दावा किया है कि 2019 में रश्मि ठाकरे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी हुई थी। उमेश पाटिल का दावा है कि उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सूले, अजीत पवार, संजय राउत और अनिल देसाई जैसे सीनियर लीडर्स को दरकिनार कर रश्मि ठाकरे अपने नासमझ बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहती थी। उमेश पाटिल ने दावा किया है कि रश्मि ठाकरे सभी सीनियर नेताओं के करियर की बलि चढ़ाने को तैयार थी, वो बस इसी जिद पर अड़ी थी कि आदित्य ठाकरे को कैसे भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उमेश पाटिल के मुताबिक आदित्य ठाकरे उस वक्त सिर्फ 28 साल के थे।
थे, वो गीत संगीत के प्रेमी थे, वो तो बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के लिए गाने और शेर शायरी लिखने के शौकीन थे, वो बॉलीवुड में करियर बनाने का सपना देख रहे थे। उसे ना तो राजनीति का कखग पता था और ना ही सरकार चलाने की जरा भी समझ थी। ऐसे ना समझ बेटे को रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा कर सभी नेताओं की इज्जत उछालने को पूरी तरह तैयार थी। उमेश पाटिल की माने तो उस वक्त शरद पवार के इनकार की वजह से ये संभव नहीं हो पाया, वरना रश्मि ठाकरे उद्धव को पटाकर आदित्य को कुर्सी पर बैठा देती और महाराष्ट्र को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलता जिसकी सोच समझ बच्चे जैसी नादान थी। और इसी के साथ महाराष्ट्र का डूबना 2019 में ही तय हो जाता। उमेश पाटिल की माने तो खुद संजय राउत रश्मि ठाकरे की इस जिद से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अनिल देसाई के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर जोर देना शुरू कर दिया था। उमेश पाटिल की माने तो 2019 में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ और एकनाथ शिंदे का नाम पूरी तरह फाइनल हो चुका था, लेकिन रश्मि ठाकरे जिद लेकर बैठी थी कि आदित्य को ही सीएम बनाया जाए, लेकिन शरद पवार ने इनकार कर दिया। इसके बाद ढाई ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करने का फैसला किया गया। उमेश पाटिल ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए सुप्रिया सूले का नाम भी आगे किया गया, मगर रश्मि ठाकरे की जिद के चलते सब बंटाधार हो गया और ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करना पड़ा, वो भी उद्धव या सुप्रिया सूले के मुख्यमंत्री बनने की शर्त पर, ना कि आदित्य ठाकरे के नाम पर। तो कुल मिलाकर उमेश पाटिल का दावा है कि रश्मि ठाकरे ने 2019 में आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की जिद पकड़ ली थी और इसी वजह से महाराष्ट्र को 5 साल के बजाय ढाई ढाई साल की साझा सरकार बनाने को मजबूर होना पड़ा। अब उमेश पाटिल के इस खुलासे में कितना दम है ये तो वो ही जाने, मगर रश्मि ठाकरे की जिद को लेकर आपको क्या कहना है? क्या आदित्य को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को पूरी तरह दरकिनार कर रही थी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई में वोटिंग खत्म होते ही हर तरफ खलबली मची हुई है। पहले से दो खेमों में बटी शिवसेना में भयंकर बगावत की खबरें आ रही हैं। उद्धव ठाकरे गुट के साथ ही एकनाथ शिंदे के खेमे में भी कई नेता बुरी तरह नाराज हैं और एकजुट होकर पार्टी से बगावत करने का प्लान बना चुके हैं। तो पहले आपको उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो खबर आ रही है वो बताते हैं। तो सामने आया है कि वोटिंग के बाद संजय राउत तीखे तेवर उद्धव ठाकरे को दिखा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत शुरू से ही चाहते थे कि उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे को अपने साथ लाए, अपने महाविकास अघाड़ी में शामिल करें, मगर उद्धव ने राउत के इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया और समय रहते राज ठाकरे से एक बार भी इस बारे में बात तक नहीं की और फिर राज ठाकरे बीजेपी के साथ जुड़ गए, जिस वजह से ठाकरे परिवार के परंपरागत वोटर्स बीजेपी की तरफ चले गए। वहीं चुनावी सर्वों में भी राज ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे को भारी नुकसान की आशंका लगातार जताई जा रही है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, मगर जो खबर आ रही है वो ये है कि राज ठाकरे के मसले को लेकर संजय राउत उद्धव ठाकरे से बुरी तरह नाराज हैं और वो अपने समर्थकों के साथ अलग ही प्लान बना रहे हैं। खबर है कि संजय राउत यूबीटी से जुड़े कई नेताओं के साथ होटल में प्राइवेट मीटिंग भी कर चुके हैं और इसकी खबर उद्धव ठाकरे को दी ही नहीं गई। यानी कि संजय राउत के मन में कुछ तो खिचड़ी उद्धव ठाकरे के खिलाफ पक रही है, जिसकी पक्की खबरें आना बस बाकी है। वहीं बात करें एकनाथ शिंदे के खेमे की, तो खुद बगावत करके मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के गुट में वोटिंग के बाद से खलबली मची हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसी बीच सत्ताधारी शिवसेना में फूट पड़ने की खबरें हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता शिशिर शिंदे ने मुख्यमंत्री और पार्टी नेता एकनाथ शिंदे से अपनी ही पार्टी के सांसद गजानन कीर्तिकर को निकालने की मांग की है। कीर्तिकर पर आरोप है कि उन्होंने वोटिंग के दिन पार्टी की भावना को आहत पहुंचाने की कोशिश की थी और उद्धव ठाकरे की तारीफ की थी। दरअसल पूरा मामला ये है कि शिवसेना शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता हैं। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। सोमवार को मुंबई की सभी 6 सीटों पर वोटिंग हुई थी और इसी दौरान गजानन कीर्तिकर और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अमोल कीर्तिकर के पक्ष में बयान दिया और उद्धव ठाकरे की भी तारीफ की। इस पर शिशिर शिंदे बुरी तरह नाराज हो गए। उनका कहना है कि गजानन कीर्तिकर मातोश्री के आगे लेटने को व्याकुल हैं। शिशिर शिंदे का कहना है कि एकनाथ शिंदे हमारे नेता है और उन्हें गजानन कीर्तिकर के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे कि सभी नेताओं को सबक मिले।